बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मैंगो लैम स्टर फ्राई। इसके लिए मैंने ये बोनलेस लैम लिया है। इसको इस तरह मैंने बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये सारा लैम मैंने काट के इसको मैंने बोल के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैंने लिया है अदरक, लहसुन अदरक और हरी मिर्च। इन सबको मैं ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चाहे तो इसकी पेस्ट बना लें, चाहे तो इसको इस तरह मोटा मोटा ग्राइंड कर लें। इसको लैम के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि ये फ्लेवर लैम के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये लैम का मीट थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। इसके अंदर मैंने नमक और दूसरे स्पाइस शामिल नहीं किए, सिर्फ ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च है। इसको कवर करके इसको फ्रिज में रख देते हैं एक घंटे के लिए, दीगर प्रिपरेशन के लिए रेडी कर लेते हैं। मैंगो लैम स्टर फ्राई बनाने के लिए मैं इसके लिए मैंगो शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 2 अदद मैंगो को छील के अच्छी तरह काट लिया है छोटा छोटा। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया तकरीबन 2 चम्मच के करीब। कढ़ाई को पहले मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ लैम मैंने शामिल कर दिया है। इसको इतनी देर पकाना है कि ये इसका कलर चेंज हो जाए, उसका सारा पानी निकल आए। जल्दी जल्दी इसको पकाएंगे, चम्मच इसके अंदर चलाती रहूँगी ताकि ये जले ना कहीं से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ईद के दिनों में ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसको लैम या दूसरे किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। अगर आप कोई बीफ वगैरह इसके अंदर शामिल करें तो इसके अंदर थोड़ा सा पपीता शामिल कर दें, कच्चा पपीता या उसका पाउडर। इसने पानी अच्छी तरह छोड़ा था, अभी इसका पानी खुश्क हो रहा है। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो इसके अंदर प्याज शामिल कर दें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किया है। थोड़ी देर प्याज को पकाने के बाद इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद इसके अंदर मैं दीगर अशिया शामिल करूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा सीजन कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच वाइट पेपर और 1 चम्मच ब्लैक पेपर शामिल किया है। नमक 2 टीस्पून या अपनी टेस्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये कटे हुए मैंगो, क्योंकि मैं मैंगो लैम स्टर फ्राई बना रही हूँ। चाहे तो मैंगो इसके अंदर ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं आप, 2 के बजाय 3 भी शामिल कर सकते हैं। खट्टा मीठा साइज का फ्लेवर होगा और ये चावल या नान के साथ खाएं तो बहुत मज़ा करेगा। अब इसके अंदर मैंने आखिर में शामिल किया है लेमन बारीक काट के। चाहे तो इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर दें, चाहे तो इस तरह लेमन के स्लाइसेस शामिल कर दें। और ये हमारा मैंगो लैम स्टर फ्राई रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मज़े वाला फूड, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहें।
लीजिए। हाजिर है आप सबके लिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। उम्मीद है आपको इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।